क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो एक क्रिकेटर है 100 मीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा बॉल को गिर सकता है, ठीक है, बात समझ में आती है। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो एक बात बताओ, अगर उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर है तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी है 100। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज 100 है, इसका मतलब कि उस बंदे ने कितनी वेलोसिटी से बॉल को गिरा होगा अंडर रूट ऑफ 100 जी। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक, इतनी वेलोसिटी से गिरा। अब उस बंदे को फिर से बुलाया जाता है ग्राउंड पे और उसे ये कहा जाता है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। वो कह रहा है कि अब एक काम कर, तो इतनी वेलोसिटी से बॉल फेंक, वेलोसिटी मत इंक्रीज करियो, और बॉल को कहाँ फेंक, ऊपर मैक्सिमम फेंक, एंगल कोई चक्कर नहीं, जो तेरे मन में एंगल आता है तो एंगल ले, पर बॉल की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तो रेंज ज़्यादा करनी है, ग्राउंड का डिस्टेंस ज़्यादा करना है, तो थीटा क्या होगा इसमें 45, ठीक है। और अगर आपको हाइट मैक्सिमम करनी है तो क्या करेंगे, बॉल को ऐसे फेंकने की जरूरत है, बॉल को ऐसे फेंक दो। ये तो नहीं कहा कि रेंज ग्राउंड पे कवरेज करनी है, वो कह रहे हैं हाइट चाहिए, तो हम बॉल को कैसे फेंकेंगे, ऊपर फेंक देंगे, ऐसे करेंगे। तो सेकेंड केस में वेलोसिटी आ गई, ऐसे मत करें। सेकेंड केस में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला है, कोई डाउट इसमें, ठीक। और मैंने एंगल को क्या पुट किया 90 क्यों, ताकि बॉल कहां पर जाए, ऊपर जाए, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। साइन 90 क्या है, 1। और वैसे भी एक बात बताओ, हाइट में साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर मैं ये 1 पुट करूंगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी होएगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो अगर रेंज मैक्सिमम करनी है तो एंगल 45, और अगर हाइट ऊंचाई सबसे ज्यादा करनी है तो उसको 90 डिग्री पे फेंक दो, हाइट ही हाइट है, सारी एनर्जी हाइट में लग जाएगी। तो यहां से आप v की वैल्यू जो आपने निकाली, क्या निकाली, ये निकाली, तो इस v की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, कितनी, अंडर रूट ऑफ 100g का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये लो। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100g डिवाइडेड बाय 2g, सॉल्व करके क्या आएगा 50 मीटर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो 50 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो ये नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, वेलोसिटी तो है ही आपके पास, ऊपर फेंकेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी 0, तो अप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो यहां से वी 0 इनिशियल वेलोसिटी पता है, जी इज माइनस जी, हाइट कैन बी कैलकुलेटेड, जैसे मर्जी कर लो। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें। इस क्वेश्चन को आप करें, पहले इस क्वेश्चन को करें, ये लो क्वेश्चन नंबर फोर को देखें। अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एंगल क्या है, थीटा 60, विद वेलोसिटी 392। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो इसके अंदर थीटा एंगल है, 392 वेलोसिटी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज में इसमें रेंज क्या होगी, जब एंगल कितना है इसमें 60, तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 60, साइन ऑफ 120, याद करें कॉस 120 माइनस हाफ है, साइन 120 रूट
थ्री बाई टू है, नहीं तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको आते ही हैं, तो सॉल्व करके एक आंसर आएगा रेंज का। क्लियर है, रेंज आ गई। दूसरा इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, टू वी साइन थीटा बाय जी। आपको इसमें वी पता है, आपको इसमें एंगल थीटा पता है, 9.8 पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। तो वी पता है, थीटा पता है, जी पता है, आंसर। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में क्लियर है यहां तक, ठीक है। ठीक, या तक क्लियर है, हो जाए फोर। जिनका हो गया, एक मिनट, जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर फाइव करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर फाइव है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव देखें प्लीज। क्वेश्चन नंबर फाइव,
बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड. तो बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका और बॉडी नीचे गिरती है 2 सेकेंड में. आगे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री कर लेना, 45 डिग्री कहाँ बनाऊँ, किसने बनाया, बॉल की वेलोसिटी वेक्टर ने. तो बॉल की वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल क्या बनाया, 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. तो ग्राउंड के अंदर एंगल बनेगा 45. तो इसमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच निकालना है, एंड स्पीड विद विच बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, यू निकालना है. तो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि आपको अगर एच निकालना है और टाइम आपको गिवन है, तो एच किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस में अब क्या करेंगे, इसमें वाई एक्सिस में अप्लाई करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो वाई एक्सिस में एच, यू जीरो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम टेकन इसमें 2 है. तो सॉल्व करके कितना है, 19.6 मीटर. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक आंसर. दूसरा आपको इसमें यह भी निकालना है, यू निकालना है कितनी वेलोसिटी से बॉडी प्रोजेक्ट हुई थी. तो आपको यू निकालना है. तो जब ये बॉडी यहाँ पर वेलोसिटी वी से यहाँ पर हमने हिट की थी एट एन एंगल ऑफ 45, तो वेलोसिटी के 2 कॉम्पोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, तो यू 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 और यू, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी वाई है. और क्योंकि एंगल 45 है, तो टैन 45 इज इक्वल टू वी वाई अपॉन यू, वी वाई अपॉन यू. तो यहाँ से टैन 45 1 है, तो वी वाई किसके इक्वल है, यू के. क्लियर है यहाँ तक? तो वी वाई की वैल्यू यू के इक्वल है. अब इसमें अगर मैं आपको वी वाई बता दूँ तो यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यू आपको निकालना है. तो वी वाई बताने के लिए, वी वाई बताने के लिए एक्सिस क्या लेंगे, वाई. तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी फाइनल वी वाई इनिशियल क्या, 0. तो अप्लाई करें वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 इन वाई एक्सिस. कैसे, वी वाई 0, 9.8, टाइम टेकन 2, सॉल्व करके वी वाई आ गया. अब अगर वी वाई आ गया तो ऑटोमेटिकली यू भी आ गया, आंसर आ गया. तो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें? तो बहुत क्लियर इसमें इक्वेशन यूज करते हैं, मोशन से ईजी लगता है मुझे ये. मोशन में तो फिर भी सोचना पड़ता है, जर्नी में अलग अलग इक्वेशंस हैं, इसमें इतना नहीं है. इसमें पता है कि वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, और एक्स में एक ही इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वी टी. 3 इक्वेशंस का गेम है टोटल. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. हमने किए भी थे ऐसे क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करें क्वेश्चन नंबर थ्री. एक बार थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करें असाइनमेंट में प्लीज.
तो बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड अदर इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, एक एंगल थीटा, एक एंगल 90 माइनस थीटा। वेलोसिटी कितनी? 39.2। सेकेंड बॉल रीचेज 50 मीटर हायर देन दी फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट बॉल एच पे है तो दूसरी कितनी है? एच प्लस 50। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको निकालना क्या है इसमें? आपको निकालना है हाइट ही निकालनी है। तो केस नंबर वन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? एच एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर 39.2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और इस केस में एच प्लस 50, क्योंकि हाइट 50 ज़्यादा है, इज इक्वल टू 39.2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। लगा लिया फॉर्मूला, एक में थीटा, एक में 90 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन में वन एंड टू, जब भी आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दी जाए और कोफिशियंट बराबर दी जाए एक जैसे, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। और इसमें सिंपल एडिंग कर दो, स्क्वेयरिंग की जरूरत नहीं है, एडिंग कर दो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो एच प्लस 50 लेफ्ट हैंड साइड, इसे और इसे ऐड करोगे तो ये कॉमन आ गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है? 1। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया? हाइट आ गई, एक हाइट एच आ गई और एक एच प्लस 50 आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला केस नंबर वन, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला केस नंबर टू, और फिर दोनों को ऐड करके आंसर। तो स्टेप समझ में आया कैसे ये फॉर्मूला यूज़ करना है? तो दो केस बनाएंगे, दोनों में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, एक में थीटा के साथ, एक में 90 माइनस थीटा के साथ। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसे ऐड करेंगे आंसर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हो गया, हो गया ना? अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो गया, ओके। ये क्वेश्चन फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20, एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल मीन्स ऐसी जा रही है। कोई कह रहा था ऐसा क्यों लिखा है वर्टिकल प्लेन, पता ही है वो तो वर्टिकल है। नहीं, वर्टिकल जरूरी नहीं है। सोचो आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल यहाँ गिरेगी? जरूरी नहीं है, हवा चल पड़ी ये गई, तो फिर क्वेश्चन आपका सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे इसमें। हमने हवा तो चलाई नहीं कभी, तो हमारा तो फुटबॉल ऐसे ही गिरता है हमेशा। तो इसलिए उसने पहले ही बोल दिया अभी वर्टिकल इस प्लेन में लेना, आउट ऑफ प्लेन मत ले लेना। क्लियर है? तो वर्टिकल प्लेन, तो आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट टाइम एट विच बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। तो पहले केस में टाइम ऑफ एसेंट वी साइन थीटा बाई जी, क्लियर है? दूसरे केस में निकालना है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट क्या है? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा कितना है? 30। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड। सी क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल। रेंज क्या है? वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा की जगह 30, 2 × 30 = 60। आंसर कर लोगे सॉल्व? और लास्ट है क्या निकालना है? टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर। तो एयर में बॉल कितनी देर के लिए, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2v sin θ बाई जी। और थीटा की, या ऐसे करो, टाइम ऑफ असेंट को डबल कर दो, फिर से क्यों सॉल्व करना? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंट को डबल कर दोगे, वैसे 2 सेकंड आ गया आंसर। डन? तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं इसमें?
ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन का करें प्लीज। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ बॉडी टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो कह रहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है, ताकि क्या हो जाए, इसमें जो रेंज है और मैक्सिमम हाइट वो क्या हो जाए, सेम। तो इसमें रेंज क्या है आर, रेंज क्या होता है वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट कितनी है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। और क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रेंज और हाइट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे केस में इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करते हैं वी से वी, जी से जी कैंसिल। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसल, साइन बाय कॉस टैन, टैन थीटा फोर, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स फोर। एंगल तो निकाल नहीं सकते, टैन इनवर्स में छोड़ देंगे, तो एंगल इज टैन इनवर्स फोर। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये शीट एनसीईआरटी की शीट है। आपका स्कूल लेवल पेपर इस टाइप से डिजाइन होता है, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स है उसमें। जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे अगली शीट में आएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल लेवल है, बीच में थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, तो मिक्स क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। पहला काम है एनसीईआरटी को ठीक करना, तो एनसीईआरटी ठीक है, फिर अगले स्टेप पर चलते हैं। आज दिखाऊंगा नेक्स्ट स्टेप कैसे, ठीक है? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने किया, ऐसा मैंने असाइनमेंट में किया था, एक खिड़की वाला विंडो, विंडोज पत्थर मारा और दूसरी विंडो में चला गया। उसमें मेरे क्वेश्चन में जो ये डिस्टेंस था बिल्डिंग में 180 मीटर था। आपकी सॉल्ड जो है शीट का क्वेश्चन है, चेक कर सकते हो उसे, आप ये पूरा करें फिर सॉल्व करें, इसका आंसर मैच करें। रेफर कर सकते हो अपनी बुकलेट, क्या हुआ है बुकलेट में। कितने का आंसर आया, ये आ रहा है आंसर? गुड। देखो इसके अंदर क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है कि एक बॉल या किसी भी स्टोन को फेंका जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, और स्टोन यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट? तो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस 200 मीटर है, तो स्टोन यहाँ से चला यहाँ पे आया, एक्स में डिस्टेंस कितना कवर किया 200, वाई में कितना कवर किया 540 माइनस 50 कितना 490 मीटर y का डिस्टेंस है, क्लियर है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले y एक्सिस लेते हैं। y एक्सिस में
अप्लाई करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है 490, क्योंकि स्टोन यहाँ से यहाँ गया तो हाइट कितनी कवर की 490, इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या होती है 0.98 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम सॉल्व करो कितना आ रहा है 10 सेकेंड। तो ये स्टेप सबको क्लियर है, 10 सेकेंड आ गया राइट, क्लियर है। अब मुझे यू निकालना है, यू किस एक्सिस की वेलोसिटी है एक्स की, तो एक्स एक्सिस में प्लीज अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, तो डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस का 200, वेलोसिटी कितनी है यू और टाइम कितना है 10, तो यू की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक आंसर। वही पुराना कॉन्सेप्ट कि y एक्सिस में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और x एक्सिस में s इक्वल टू वी टी। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ठीक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट करें प्लीज, तो क्वेश्चन में अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 100 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर रिलीजेस अ बॉम्ब फ्रॉम इट, प्लेन उड़ता जा रहा है हॉरिजॉन्टली, बॉम्ब ड्रॉप कर गया तो बॉम्ब की स्पीड भी कितनी 100, तो बॉम्ब हॉरिजॉन्टली जा रहा है उसकी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, बॉम्ब गिरेगा प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट से 1000 से, तो ग्राउंड को हिट करेगा विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, और बॉम्ब हमेशा टेढ़ा ही हिट करता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था वी हिट करते इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक एक्स में और एक वाई में, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 100 है तो इट विल रिमेन 100, तो सेम ही रहेगा, वाई कंपोनेंट मुझे पता नहीं क्या निकालना है, पहला पार्ट कितने टाइम में वो नीचे आया, अगर आपको हाइट गिवन है 1000
और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो अप्लाई करो वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1000 इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो, हाफ एक्सेलरेशन को 10 ले लें, 9.8 में कैलकुलेशन हार्ड है, 10 लेने से ये कट जाएगा, देखो ये देखो, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 200। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एक आंसर आ गया टाइम का, टाइम का 14.28 नहीं है, अच्छा ओके ठीक है, कोई बात, ये आ रहा है, अच्छा उससे आ रहा होगा, ठीक है यहाँ भी क्लियर है, कोई कोई बात नहीं, ये ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या निकालना है, वेलोसिटी विद विच द बॉम्ब हिट्स इट टारगेट ग्राउंड को, तो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करता है ये बॉम्ब, वी से, तो उसने ये नहीं बोला कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकाल लो, वाई निकाल लो, उसने कहा वी निकाल लो, तो वी की वैल्यू निकालनी है। अब वी के दो कॉम्पोनेंट है, एक एक्स और एक वाई, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो पता ही है मुझे कितना, 100, ये देखो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू 100, ये रहा, वाई कॉम्पोनेंट हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वाई कॉम्पोनेंट आ गया तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि दो वेक्टर अपने 90 डिग्री पे हैं, क्लियर है यहां तक? तो आपके पास वी एक्स की वैल्यू कितनी है 100, वी वाई निकाल लेते हैं, वी वाई कैसे निकलेगा, ये वी वाई है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है जीरो, और टाइम नीचे आने का कितना है, अंडर रूट ऑफ 200। तो आप ऐसा करो, आप वाई एक्सिस में अप्लाई करो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, एक काम करो आप इसमें वाई एक्सिस में ही अप्लाई करो वी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल जीरो, एक्सेलरेशन 10 और टाइम कितना, अंडर रूट ऑफ 200, तो क्या जाए, क्या जाएगा, वी वाई आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, वी वाई आ गया, ठीक है, क्योंकि वी वाई किस एक्सिस में चलेगा, वाई में, तो इक्वेशन किस एक्सिस में लगेगी, वाई में, तो वी वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस 80, क्लियर है यहां तक? वी वाई अगर आ जाए हमारे पास तो नेट आंसर वी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर पर वी वाई स्क्वायर, ये क्लियर है? वी एक्स तो सेम रहता है 100 100 100, सिर्फ वी वाई निकालना है। अब वी वाई का एक्सिस क्या है, वाई, इक्वेशन किस में लगेगी, वाई में, तो वाई में फाइनल वेलोसिटी वी वाई है, इनिशियल क्या है इधर देखो जीरो, तो अप्लाई कर सकते हैं वी इज इक्वल टू जीरो प्लस 80, तो वी वाई आ गया, वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया, ये लो यहाँ पुट करके क्या आ जाएगी, वेलोसिटी वी आ जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट नेट वेलोसिटी वी, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस, मैं सॉल्व नहीं किया बट समझ में आ रहा है। तो एक चीज नोट की आपने, y एक्सिस में यार इक्वेशन ही दो यूज होती हैं, s इज इक्वल, ऐसे क्वेश्चन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, या v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और x में एक ही क्वेश्चन यूज होती है s इज इक्वल टू 80। अगर कुछ ना समझ में आए ना, टावर से बॉल को घेर दिया कि मैं क्या लगाऊं क्या लगाऊं, तो तीनों लगा दो यार, तुम्हारा आंसर फिर भी आ जाएगा। तुम्हें यह भी सोचने की जरूरत नहीं मैं क्या लगाऊं, तुम तीन लगा दो, y एक्सिस में लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और x में लगा दो क्या, x इज इक्वल टू vt, आराम से बैठ जाओ, आपका क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। अब मोशन से तो बेटर ही है, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितने लोगों का आंसर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? कैसे डिसाइड किया आपने? उसको मैक्सिमम रेंज पे फेंक के देखा? अच्छा ठीक, वो कह रहा है कि 30 डिग्री पे अगर प्रोजेक्टाइल जाता है तो 3000 मीटर जाता है, तो रेंज का फॉर्मूला लगाया, थीटा को 30 पुट किया, साइन 30 रूट 3/2, यहाँ से वी स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई। अब वो हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो क्या वो 5000 मीटर पर टारगेट को हिट कर पाएगा? तो वो करने के लिए आपको मैक्सिमम रेंज निकालनी पड़ेगी, आपको 45 डिग्री पे फेंक के देखना पड़ेगा। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई जी, और वी स्क्वायर बाई जी ऑलरेडी हमारे पास है, सॉल्व करके कितना आता है 3464 मीटर। ये प्रोजेक्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा 3464 मीटर तक जा सकता है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई, तो 5000 मीटर नहीं जा सकता, इसलिए इसका आंसर नो है। पॉइंट समझ में आया कि कैसे आपने चेक करना है? कभी भी प्रोजेक्टाइल को अगर चेक करना है कि 2000 किलोमीटर या 2000 मीटर कितना भी गिरेगा या नहीं गिरेगा, 45 डिग्री पे चेक कर लो बस, उससे दूर नहीं जा सकता। अगर वो जरूरत क्या है डायग्राम में, मिसाइल में क्या ग्राउंड से फेंकोगे ऐसे उड़ता वो वहीं जाएगा। देखो देखो पहले केस में देखो रेंज का फॉर्मूला है, थ्योरी हमने की थी, ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से चला, ग्राउंड पे चला गया, तो रेंज ज़मीन का डिस्टेंस है, तो ग्राउंड का डिस्टेंस 3000 है, वो कह रहे हैं जब एंगल कितना है 30 है तो साइन ऑफ 60 रूट 3/2 3000, तो वी स्क्वायर बाई जी आ गया, राइट। अब मुझे उसे दूर से दूर फेंक के देखना है, दूर से दूर का मतलब एंगल क्या है 45 मैक्सिमम रेंज। आपसे वो पूछ रहा है क्या 5 किलोमीटर तक वो जा पाएगी कि नहीं, तो मैक्सिमम दूरी कवर कैसे होती है जब एंगल 45 होता है, तो आपने 45 चेक करके देख लिया कि ये तो इतने जा पाएगा, तो 5000 मीटर नहीं जा पाएगा, इसलिए इसका आंसर नो। 30000 लिखा है, अच्छा ये गलत है, 3000 है, हाँ 3000 है, ओके इसका आंसर कंप्लीट करें प्लीज। हो गया कितने का हो गया, गुड। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया, कैसे प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 98, तो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली 98 490 मीटर हाई, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो सबको पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर आप क्या लगाएंगे, फिर से इक्वेशन एस इज इक्वल टू क्या, बिल्कुल ठीक, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, एस की जगह 490 जीरो हाफ। अब देखो ये 490 है तो मैं जीना जान के 9.80 लूंगा, क्योंकि सॉल्व करने पे पूरा आंसर कितना आ रहा है, तो एक आंसर आ गया 10 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, अब डिस्टेंस में मैं तो ये समझता हूँ कि टारगेट ऑफ द हिल और ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो आप अगर x बता दो मुझे, 490 मुझे पता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ कितनी, 490 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो मुझे क्या निकालना है इसमें, x निकालना है, कोई डाउट इसमें क्लियर है? तो x निकालने के लिए एक्सिस क्या लें, एक्स एक्सिस, नाम ही जिसका एक्स है उसका एक्सिस भी क्या होगा, एक्स ही तो होगा, वाई कैसे हो सकता है, तो एक्स एक्स में इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, तो एक्स डिस्टेंस कितना है एक्स, वेलोसिटी कितनी है 98 और टाइम कितना है 10, तो कितना आएगा 980, तो यहां पर क्या पुट कर देंगे 980 का स्क्वायर आंसर। तो क्या ये बात समझ में आ रही है, हालांकि मैंने आंसर 980 लिखा है, बुक्स में भी इतना ही है, पर मेरे को लगता है एक स्टेप फालतू करना चाहिए क्योंकि ये भी डिस्टेंस पूछा जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर एक्स आ गया वाई गिवन है तो डायरेक्ट डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, राइट, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या निकालना है, वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो आपको बताना है कितनी वेलोसिटी से ये हिट करती है। अब वी निकालना है, वी निकालने के लिए क्या चाहिए, वी एक्स और वी वाई, क्योंकि वी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी, अब वी एक्स तो सेम ही रहता है कितना 98 का स्क्वायर, और क्या निकालना है वी वाई, वी वाई के लिए एक्सिस क्या लेंगे वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर फिर से एक बार लगाओ क्या, वी इज इक्वल टू 0 प्लस 9.8 इंटू टाइम कितना है 10, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो यहां पर पुट कर देंगे 98 का स्क्वायर, तो वी विल बी इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर रूट टू इंटू 98, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक आंसर। मुझे लगता है डी निकालना चाहिए, पाइथागोरस से निकालना चाहिए।
मेरे को फिर एक्स तो निकाल ही दिया तुमने, वो तो टीचर नंबर कैसे काटेगा, एक्स आ गया रास्ते में, तुम एक्स्ट्रा ही निकाल रहे हो, जिसको जो चाहिए होगा ले लेगा डिस्टेंस, वो कहेगा आपने ये नहीं किया, आपने किया है जी, एक्स भी निकाल दिया मैंने, वो भी निकाल दिया, नंबर कहाँ से काटेगा। देखते हैं एक आंसर, फिर डी निकालूंगा मैं, फिर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें ये लो, ये प्रूव करो प्लीज। हो गया प्रूफ, कितना हो गया प्रूफ? एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो, कौन सी हो रही है? प्रोजेक्टाइल शुरू कर दे, प्रोजेक्टाइल शुरू कर देना, वेक्टर अभी थोड़ा स्लो कर देना, स्लो मींस ठीक है इसको कंप्लीट करो जितना कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल अब करंट टॉपिक है, इसको ज़रूर करना चाहिए। मतलब अगर मैं फिक्स पढ़ने बैठूंगा तो आज मैं मान लो पहले वेक्टर करूँ कि प्रोजेक्टाइल करूँ, पहले मैं प्रोजेक्टाइल करूँगा, अब मैं 10 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के करूँगा, फिर मैं 10 क्वेश्चन वेक्टर के करूँगा, ऐसे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम बैठूंगा तो वेक्टर थोड़ा कम करता जाऊंगा, प्रोजेक्टाइल ज़्यादा करता जाऊंगा, ऐसे। ठीक, तो इसको ख़त्म करना जल्दी से, और कॉन्फिडेंस आता है एक्स्ट्रा बुक्स में से ही है, जब वो निकलते हैं ना क्वेश्चन फिर ठीक लगता है। देखो, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कह रहा है, क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। एक बात बताओ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वी स्क्वायर बाय जी, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है? वी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर में क्या लेंगे? 45। क्यों? क्योंकि हमने रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए बाय डिफॉल्ट एंगल क्या लिया हुआ है? 45। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या? वी स्क्वायर 2g साइन 45 क्या है? 1/√2। तो आंसर क्या आ गया? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। ये लो, तो एक आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो मैक्सिमम रेंज बाय मैक्सिमम हाइट, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, तो ये क्या हो गया? कैंसिल, तो ये 4 आ गया, तो मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू 4 टाइम मैक्सिमम हाइट। आंसर ये प्रूव करना है, आंसर समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैक्सिमम हाइट लिया, मैक्सिमम रेंज लिया, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आया। ठीक है यहाँ तक? ठीक, मत करो, वी इक्वेट कर दो, वी स्क्वायर निकालो आप। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। अब जैसे मैं कई बार गलती कह रही, स्क्वेयरिंग एडिंग कर देता हूँ, माइंड में कैसे आया? डिवाइड किया, माइंड में कैसे आया? शायद मेरे को इसलिए नहीं सोचना पड़ रहा कि मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में छप चुका है, अच्छा ये तो पता है यार डिवाइड कर, क्योंकि मेरे को हर चीज़ को कैंसिल करना है, है ना? कैंसिल करने के लिए क्या करूँ, बेस्ट तरीका क्या है? वी स्क्वायर गया, डिवाइड कर दो, अदरवाइज मत करो। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, क्या मन कह रहा है? इनमें कॉमन वैल्यूज क्या है? वी, आप यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लो आर मैक्स इंटू जी, यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लो 4g इंटू hm, वी स्क्वायर इक्वेट कर लो, तो भी आंसर आ जाएगा, है ना? तो माइंड में कैसे आया? ये प्रैक्टिस की गेम है सारी, आपने आज देख लिया, कल आप SL की बुक करोगे या कोई बुक करोगे, आपको फिर मिलेगा ये क्वेश्चन, आप क्लिक करेगा, हो जाएगा। तीसरी बार जब किसी का होगा नहीं ना, तो आप लोगों को बताओगे इसको डिवाइड कर लेना, प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस होगी, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ठीक, देखते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, अपने आप चीज़ें ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? नेक्स्ट ये लो, उड़ाओ फाइटर प्लेन को, मिसाइल रखो, उड़ा के देखो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। वैसे तो देखो जरा कि एक फाइटर प्लेन आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है 720 km/h से, सीधा आ रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड पे आ रहा है, पासिस डायरेक्टली ओवरहेड एंटी एयरक्राफ्ट गन, तो एयरक्राफ्ट गन है, लोग नीचे लेके खड़े हैं, उड़ाना है इस प्लेन को, कैसे उड़ाएंगे? जैसे प्लेन सिर पे आएगा ऐसे मारेंगे गोली? हाँ, जैसे ऐसे मारेंगे तो जब तक तो गोली ऊपर पहुँचेगी कितने किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर, तब तक तो प्लेन वो वहाँ घूम रहा होगा, कैसे उड़ेगा? नहीं उड़ेगा,
क्या करेंगे, यहां से जैसे छत पे आएगा एंगल पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल निकलेगा ऐसे जाएगा, जितनी देर में ये बुलेट यहां से यहां आएगा उतनी देर में प्लेन उड़ के यहां से है, तब इनका जो है कोलिजन होगा। सीधा कोलिजन नहीं हो सकता, सीधा तो निकल जाएगा आगे वो। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बुलेट इसे स्ट्राइक करे, तो जितनी देर में, मैंने क्या कहा, जितनी देर में, देर का मतलब टाइम में, ये प्लेन यहां से यहां उड़ के आया उतने टाइम में ये बुलेट यहां से यहां उड़ के आएगी। तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है? टाइम। तो टाइम दोनों का सेम है। सही है यहां तक? पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, प्लेन ने यहां से यहां डिस्टेंस कितना कवर किया? ए बी, मान लो बी पॉइंट पे हिट हो गया तो डिस्टेंस कवर किया ए बी। इस बुलेट की दो वेलोसिटीज हैं, एक 60 sin और 60 cos, क्योंकि आपको एंगल थीटा निकालना है, तो एंटी एयरक्राफ्ट गन को थीटा एंगल पे रखा गया, तो इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए। तो ये बुलेट जब यहां से यहां आया, तो बताओ इसने कितने दो डिस्टेंस कवर किए, या कितने डिस्टेंस कवर किए? दो, एक वाई में और एक एक्स में। तो बोलो बुलेट ने वाई में कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां? हाइट कितनी कवर की बुलेट ने? 15 मीटर। सही है। और एक्स में कितना कवर किया? ए बी, एक्स में ये रहा, नहीं वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये ले लो या जमीन कर लो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस में क्या कवर किया? ए बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो प्लेन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया? ए बी। बुलेट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया? ए बी। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या रहेगा? सेम। सही है। तो दो फैक्टर कॉमन है दोनों में, एक टाइम और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? ठीक। तो अगर ये बुलेट यहां से यहां आई, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होता है इतना ही कवर करना है, ए बी ए बी ए बी। अब एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है, ये थीटा है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है और ये वाला साइन होता है। तो फाइटर प्लेन ए बी के अलोंग जा रहा है, तो इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे? एस इज इक्वल टू वी टी, एस की जगह कितना ए बी, वेलोसिटी की जगह 720 किलोमीटर पर आर का मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, और टी टाइम। तो प्लेन के लिए ए बी डिस्टेंस आ गया बाय अप्लाइंग एस इक्वल टू वी टी, क्योंकि प्लेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कैन अप्लाई एस इक्वल टू वी टी। क्लियर है। अगर बुलेट की बात करते हैं, तो बुलेट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? फिर से ए बी। टाइम टेकन बुलेट का कितना है? टी। और बुलेट की एक्स में वेलोसिटी कितनी है? 60 sin थीटा। क्या स्टेप क्लियर है? बुलेट के अंदर एक्स एक्सिस की लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है? 60 sin थीटा। तो क्या आएगा? एस इक्वल टू वी टी में एस की जगह ए बी, वेलोसिटी की जगह 60 sin थीटा, टाइम की जगह टी। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो बुलेट की भी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, प्लेन की भी कांस्टेंट रहेगी, तो दोनों में क्या अप्लाई किया? एस इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू वी टी। तो एस की वैल्यू हमें पता है ए बी, वेलोसिटी इज 60 sin थीटा इन टू टी। तो आप एक काम करो, ये भी ए बी दे रहा है, ये भी ए बी दे रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो, टाइम से टाइम कैंसल, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा 0.333, इसकी वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, थीटा इज साइन इनवर्स 0.333। लॉजिक समझ में आ रहा है? इक्वेशंस कैसे सोचनी है आपने? दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी सेम है और दोनों का टाइम भी सेम है, तो आप दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लें, दोनों का टाइम निकाल लें, और दोनों में अप्लाई करें एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? थ्री पॉइंट थ्री थ्री गलत है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0.31 से ऊपर हो नहीं सकती ना, कुछ या तो मैं गलत या आपका गलत, कुछ तो गलत है। कैलकुलेटर चेक कर लो एक बार, ये एक बार चेक करना। तो इसमें मैंने ये बताया, एक प्लेन यहां से यहां उड़ के आया, तो प्लेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? ए बी, टी टाइम में। तो इक्वेशन क्या अप्लाई की? एस इज इक्वल टू वी टी, ए बी, अच्छा ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। बुलेट यहां से यहां आया, तो बुलेट ने दो डिस्टेंस कवर किए, एक वाई में और एक एक्स में। तो एक्स का डिस्टेंस बुलेट का सेम है ए बी, और वेलोसिटी कितनी है? 60 sin थीटा। तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्लियर है। तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये रहा। तो यहां से ए बी और ए बी इक्वेट, आंसर आ गया। कैलकुलेशन गलत, 3.33 आ रहा है, फिर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है इसमें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब सही नहीं है, मतलब जो इसने
72 किलोमीटर पर आर पे जहाज उड़ाया है, ठीक नहीं उड़ाया क्योंकि साइन थीटा सही नहीं आ रहा। इसका मतलब एक्चुअल में इसे हिट कर नहीं पाएगा, हमने इसको जबरदस्ती उड़ा तो दिया, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन थीटा 3.33 पॉसिबल नहीं है। हमने धक्का तो कर दिया इसमें, बट वैल्यूज मुझे पता नहीं थी यार, सही नहीं बैठी। तो वैल्यूज साइन थीटा की 1 से कम आनी चाहिए, ठीक है? आ गई तो आ गई, पर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? ओके, ये असाइनमेंट क्लोज। नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट असाइनमेंट का लेवल थोड़ा सा इससे ज्यादा है, ठीक, थोड़ा सा हल्का सा, दिखाते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का, जो पहला क्वेश्चन है ये तो हमने अभी करना है, अभी इसको मत करें, इंक्लाइन प्लेन को ये मत, ये रहने दें, ये हमने कर लिया और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये प्रूव करें, अपनी कैलकुलेशन खुद करें प्लीज। वो क्या कह रहे हैं, आर रेंज है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। वो ये कह रहे हैं कि प्रूव करो, शो करो, मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय जी। तो आप कुछ ना करें, आप यहां पर ये लें, इसमें आर की जगह रेंज का फॉर्मूला पुट कर दें, क्या वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, हाइट की जगह वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यहां पर पुट करें, सॉल्व करें, आंसर वी स्क्वायर बाई जी आना चाहिए, चेक करें, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, आर और एच की वैल्यू तो पुट करनी है, तो करें सॉल्व। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स का नहीं है, सिंप्लीफाई तो आप ही करना है, तो सिंप्लीफाई करें, आर में आर का फॉर्मूला और एच में एच का फॉर्मूला, करें ट्राई। मैंने भी कोशिश की है, आर में यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी का स्क्वायर, एच में मैंने बाद में पुट किया, आप यहीं पुट कर लें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, यहाँ पे एच की जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो पुट करें और देखें जरा क्या आंसर आ रहा है। आर की जगह पुट करें, ये किया हुआ है, आर स्क्वायर एट एच टू एच, ये देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट एच प्लस टू एच। ओके, आर की जगह पुट करें यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, बाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट इंटू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी प्लस टू इंटू हाइट की जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओपन करें u की पावर 4। अच्छा, एक और चीज़ पहले इसमें लिख लेते हैं, यहीं पे u स्क्वायर साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इनटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g प्लस 2 से 2 चलो कैंसिल कर देते हैं, इसमें कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, कोई डाउट इसमें, सही है, क्लियर है। अब इसे ओपन करो, चलो इसे ऐसा करते हैं, ओपन स्क्वायर है ये, यू की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से ये कैंसिल, 4 आ गया, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना जी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, कोई डाउट इसमें, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें, कोई अगर फिजिक्स समझ में नहीं आती यार, मैथ्स का अलजेब्रा समझ में नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, इसमें तो फिजिक्स है ही नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है। अब एक काम करें, इसे जरा सही कर लें, इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करने के लिए 4 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल लो, जी बाय 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, क्या स्टेप क्लियर है, हाँ यू की पावर 4 आएगी, सही है, यू की पावर यहाँ पर 4 आएगी, ठीक है, ओके ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे काम करते हैं, यू की पावर 2 यू की पावर 4, तो ये क्या बचेगा, यू की पावर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, कहाँ पे 4 आएगा, तो जी से जी कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, और यहां पर क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, कॉमन निकाल लो, यू स्क्वायर बाय जी कॉमन, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, 1, आंसर आएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन है, आंसर आ गया, ठीक, तो हो जाएगा इस टाइप की प्रॉब्लम, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें, ये देखो, शो दैट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम, समय की 2 वैल्यूज हैं, 2 आंसर आएंगे, फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट, एक बात बताओ, ये प्रोजेक्टाइल यहां से आ गया, मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ कि y डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, y डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगा। अब कोई घड़ी लेके खड़ा हो गया, तो प्रोजेक्टाइल गया, y डिस्टेंस आ गया, उसने कहा सर t1 टाइम लगा, ओके t1, कहता आ तो गया आंसर, आंसर कैसे आया, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल और ऊपर जाएगा और जब नीचे उतरेगा फिर दूसरा y फिर से आएगा, तो हाइट 2 बार आ रही है ना, एक बार पहले राउंड में आ रही है, एक बार सेकंड में आ रही है, मानते हो ये चीज, तो टाइम 2 आएंगे, इस वाई को कवर करने का टाइम t1, इस वाई को कवर करने का टाइम t2, तो ये स्टेप क्लियर है, 2 बार आएगा टाइम, वो कह रहे ये टाइम की वैल्यू निकालो क्या होगी, ठीक, तो 2 टाइम निकाल लें। अब एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है वाई, ये किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस, तो इक्वेशन किस में लगेगी, वाई एक्सिस में, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहां से यहां आने में टाइम लगा टी, चलो मानता हूं t1 लगा, मान लो क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना 2 टाइम है, तो मान लो यहां से यहां आने में टाइम लगा टी, और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, तो अब y एक्सिस में अप्लाई करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह कितना y, वेलोसिटी इनिशियल कितनी u sin थीटा इंटू टी हाफ माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो यहां पे ये आपने वैल्यू पुट कर दिया, यहां से 2 एलसीएम ले लिया, 2y
टू यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर। अब एक काम करना है, ये टाइम की स्क्वायर है, ये टाइम की टर्म है, इस जी टी स्क्वायर को सबसे पहले रख लो, इसको बाद में रख लो, इसको एंड में रख लो, इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन बना लो, इसमें टी स्क्वायर और टी की इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक बनी है टी स्क्वायर में, टी स्क्वायर टी, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने आते हैं, क्वाड्रेटिक के जब रूट्स निकलेंगे, दो रूट्स निकलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये दो टाइम आएंगे, पहला टाइम क्या होगा टी वन, दूसरा क्या होगा टी टू। समझ में आया कि दो टाइम कैसे आ रहे हैं? इक्वेशन वही लगेगी, चाहे फर्स्ट वाई के लिए लगा लो, चाहे सेकेंड के लिए लगा लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह वाई पुट करेंगे, तो टाइम के दो रूट्स आएंगे, तो एक टाइम आपको टी वन देगा, एक आपको टी टू देगा, टू यू साइन थीटा आएगा यहाँ पे। अच्छा ठीक, कर लो टू यू साइन थीटा, कर दूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि दो टाइम निकलेंगे कैसे? आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे करेंगे ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फिर क्वेश्चन ये आएगा, एक प्रोजेक्टाइल का एंगल देगा आपको 30 डिग्री, आपको कहेगा वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, वो कहेगा 10 सेंटीमीटर कवर करने के दो टाइम बताओ, तो आपकी इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक थोड़ा बनेगी। आप सिंपली यहाँ पर पुट कर देना एस की जगह 10, यू पता होगा आपको है ना, एक्सलेशन पता होगी, टी में क्वाड्रेटिक एक मिनट में आंसर आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन ईजी आएगा। मैंने आपको उसमें मेथड बताया कि कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी में आएंगे, कोई स्कूल लेवल में नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन में हाँ आ सकता है। तो मैंने तरीका बताया कि कैसे सोचना है आपने, दो टाइम आ गए। फिर अगला पार्ट वो ये भी कह रहे हैं, ऑल्सो शो दैट सम ऑफ दीज टू टाइम, दोनों टाइम आ गए, दोनों को ऐड कर दो, इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट। एक काम करो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो दिस प्लस दिस विल गिव टू यू साइन थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो जब टी वन टी टू ही आ गया फिर तो ऐड करके वैसे आंसर आ जाएगा, बट आइडिया क्लियर है आपको कि कैसे आपने सोचना है। तो आज के बाद अगर दो टाइम निकालने हो तो कैसे सोचना है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। अब जैसे इस क्वेश्चन की जगह चलो ये भी कर लेते हैं, आसान है क्वेश्चन। टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो एक वेलोसिटी कितनी है यू वन, एक वेलोसिटी कितनी है यू टू, एट डिफरेंट एंगल्स, एक एंगल कितना है थीटा वन, एक एंगल कितना है थीटा टू। वो कह रहा है कि टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट दोनों में लेकिन सेम है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी यू वन थीटा वन, और इसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी यू टू और थीटा टू, कोई डाउट इसमें? तो यहां से इक्वेट करके यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू, तो ये वैल्यू आ गई, क्लियर है? ठीक है यहां तक। अब इस केस में शो दैट सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। कह रहे दोनों केस में टाइम ऑफ एसेंट निकाला जाए। इससे पहले कि मैं टाइम ऑफ एसेंट निकालूं, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले, ये तो इक्वेट हो चुका, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाई जी, पहले केस में यू वन और थीटा वन, दूसरे केस में यू टू और थीटा टू। अब क्योंकि ये वाली टर्म इसके इक्वल है तो ये वाली टर्म इसके इक्वल है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का एग्जैक्टली सेम है, तो यानी कि टाइम ऑफ असेंट भी दोनों का एग्जैक्टली सेम है, क्लियर है यहां तक? तो अगर टाइम ऑफ असेंट सेम है दोनों का, तो यानी कि दोनों प्रोजेक्टाइल में कुछ फर्क है ही नहीं टाइम में, तो दोनों का अगर टाइम ऑफ असेंट ऐड करूंगा तो क्या देगा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट तो देगा, कुछ करने की जरूरत क्या है उसके बाद, जब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। मान लो इसको सॉल्व करके आंसर 5-10 सेकंड आता है, तो इसको सॉल्व करके भी 10 सेकंड आएगा, तो पहले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 10 सेकंड, तो टाइम ऑफ असेंट कितना है 5, दूसरे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 10 सेकंड, तो टाइम ऑफ असेंट कितना है 5, तो 5 और 5 ऐड करके क्या आएगा 10, इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट को ऐड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ही आएगा, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो पॉइंट ये समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस असाइनमेंट का लेवल एनसीईआरटी का नहीं है, ये स्कूल में नहीं आएगी, पक्की बात है, तो लिख सकते हैं इसके ऊपर नॉट फॉर स्कूल, नहीं आएगी, पहले वाली का लेवल है, ये थोड़ा सा अपर लेवल है, राइट? तो इससे आपकी पुरानी असाइनमेंट आपको और पसंद भी आएगी और आसान भी आएगी, ठीक? तो जैसे मैं हर साल बोलता हूँ फिर बोल देता हूँ, मेरा ये पक्का प्रॉमिस है, फोर्स करने के बाद प्रोजेक्टाइल आपको बढ़िया लगेगा, और प्रोजेक्टाइल करने के बाद आपको कैलकुलस, यूनिट्स, एरर बढ़िया लगेंगे। जितना आगे चलते जाओगे, पुराना कोर्स आपको लगता है कि ठीक था, नया वाला ही है मेन, तो ठीक है, पुराने वाला अपने आप एब्जॉर्ब होता जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?
एक ना क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी का क्वेश्चन है, आपको करना है करें, नहीं करना ये पेपर में कभी नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन है सुन लो, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, वीडियो देखना, कोई अंग्रेज आपको ऐसा जरूर संकी मिलेगा जो करता दिखेगा बड़े ऐसे। क्या अगर एक एक बंदर बैठा हुआ है ट्री पे, मंकी बैठा है और आपके हाथ में बंदूक है, अब रूल ये है अगर आपने उस जो गन है उसको बिल्कुल मंकी पे पॉइंट किया हुआ बिल्कुल सीध में, और आपने जैसी गोली चलाई मंकी ने जंप कर दिया ट्री से, फ्री फॉल में आ गया, प्रोवाइडेड दोनों इकट्ठे गिरेंगे, ये इकट्ठी चलेगी और ये उसी टाइम गिर पड़ा, अगर ये टाइमिंग बिल्कुल मैच कर गए तो गोली मंकी के लगेगी लगेगी, बच नहीं सकता, तो ये प्रोजेक्टाइल कवर करेगी, मंकी को नीचे हिट करेगी करेगी अगर इकट्ठे चल पड़े, ये प्रूव करो कहता है मैथमेटिकली। अब करते रहना प्रूफ, मैंने किया हुआ है, मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, शौक के तौर पे किसे देखना है जरूर देखे, यूट्यूब पे देखना है, मैंने खुद देखा है एक अंग्रेज कर रहा है पूरा उस इतना बड़ा स्टेज के उसने मंकी टांग रखा, सच में उसने मंकी टांगा हुआ और बुलेट ली हुई है उसने सच में, और उसने इकट्ठा घेरा और सच में बुलेट लग के भी दिखाई है उसने, मतलब ऐसे लोग भी हैं, करके देखते हैं, अच्छा करके देखता हूँ तो आप देख लेना, कभी मेरे को मिल गई मैं भी दिखा दूंगा आपको कहीं, बट पॉइंट समझ में आया, ये ऑप्शनल है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैंने किया हुआ है, कोई डिस्कस करना चाहता है क्लास के बाद आराम से डिस्कस कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, ऑप्शनल है। अच्छा ये आसान क्वेश्चन है, हाँ मैं एक और क्वेश्चन करके देना चाहता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ इसके साथ ही, हाँ इसका टेस्ट है, मैं क्लोज करता हूँ इस क्वेश्चन के साथ, आखिरी क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल, ध्यान आगे प्लीज ध्यान आगे, एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका ओवर अ ट्राइंगल, ये रहा वो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है सच दैट ट्राइंगल का एक साइड का एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, गिवन है, प्रोजेक्टाइल चला यहां से इस साइड ऑफ ट्राइंगल से, इसको टच करता हुआ यहां पे आ गया, क्लियर है यहां तक, प्रोजेक्टाइल यहां से टच करता हुआ यहां पे आ गया, ठीक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल का थीटा है, तो वेलोसिटी ने एंगल क्या बनाया थीटा, तो ये अल्फा ये बीटा और ये थीटा और हाइट ये वाई है, आपको प्रूव करना है इस ट्राइंगल में टेन ऑफ अल्फा टेन ऑफ बीटा का सम टेन ऑफ थीटा के इक्वल होगा, नहीं कर पाओगे अभी, इसको करने के लिए देखो क्या करना है, देखने में जितना है नहीं उतना, तीन लाइन में खत्म, आपको फिगर समझ में आ गई, ट्राइंगल के दो एंगल अल्फा बीटा क्लियर है, ये वाई क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल की रेंज, तो रेंज क्लियर है, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस कितने आर माइनस एक्स है, ये भी क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड उठा लो, टेन अल्फा टेन बीटा, बोलो इस ट्राइंगल में टेन अल्फा कितना है वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, टेन बीटा क्या है वाई अपॉन आर माइनस एक्स, तो वाई बाय एक्स वाई बाय आर माइनस एक्स, एलसीएम लो वाई कॉमन, एलसीएम लेके आंसर यहां तक छोड़ दो, पहला स्टेप क्लियर है, ट्राइंगल से टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यूज पुट करके क्लियर है क्वेश्चन नंबर वन, कोई डाउट इसमें सही। अच्छा एक काम करो, ये वाई है और ये एक्स है ना, ये एक्स है यहां तक, ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, अगर मैं ये पूछूं क्या आपको कोई ऐसी क्वेश्चन पता है जिसमें एक्स और वाई दोनों आपस में रिलेटेड हो, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमने ये शॉर्टकट किया था, उसको छोड़ो ये किया था, याद करो मॉडिफाइड इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की, ये आ गई, यहां से एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टैन थीटा एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो क्या निकाल दिया टैन थीटा, चेक करो टैन अल्फा प्लस टैन बीटा ये रहा, टेन थीटा ये रहा, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हुई है सेम, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक क्लियर है, तो प्रोजेक्टाइल का एक लेवल यहां पे खत्म होता है, जो ऑब्जेक्टिव का लेवल है वो उतना मुश्किल नहीं है, वो इस असाइनमेंट से नीचे है, मतलब अगर आप सच पूछो प्रोजेक्टाइल कैसा आता है तो नॉर्मल आता है, तो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव शीट्स दी हैं, आप प्लीज अपने ऑब्जेक्टिव शीट्स स्टार्ट करें एज ए होमवर्क, तो आप एज ए होमवर्क करेंगे तो उसके अगली बार क्लास में डिस्कशन होनी है, शीट्स नहीं मिली अच्छा मैं भी दे देता हूँ दो मिनट में, अभी दे देता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव शीट्स आपने ट्राई करनी है, ठीक है, जितना जितना जल्दी करोगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको, तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव करने के बाद ये चैप्टर क्लोज,
उसके बाद हमारा जो फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिक्स को मैं क्लोज मानता हूँ, जिसमें काइनेमेटिक्स आती हैं, ये पूरा काइनेमेटिक्स का पार्ट था, मोशन स्टडी कर रहे थे हम। अब क्या आएगा? डायनेमिक्स। अब हम क्या स्टडी करेंगे? न्यूटन के लॉस, फोर्स स्टडी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?